बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। टुडे विद अ न्यू रेसिपी सैंडविच। तो आज मौसम बहुत अच्छा था, कुछ खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा चाय के साथ सैंडविच ही बना लूँ। तो इसके लिए मैंने ले 3-4 उबले हुए आलू, उसमें मैंने ऐड किया हरा धनिया, 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया नमक, हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून जीरा, और इसको फिर मैंने किया अच्छे से मैश। इसको अच्छे से मैश किया, मैश जी इसको साइड पे किया, और मैंने फिर किया बेसन लिया, इसमें 1 टेबल स्पून काली मिर्च है और 1 टेबल स्पून नमक, इसको मिक्स किया और बेसन का मिक्सचर तैयार किया। जी हाँ, तो यह सैंडविच बहुत अच्छे से बने और हमने बहुत इन्जॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं चाय ज़्यादा नहीं पीती, बट कभी जब दिल करता है तो चाय के साथ कुछ हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो बेसन का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, और अब हम जो है ना फ्राई करने लगे। अब मैंने ऑयल दिया है, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब तक हम जो है ना सैंडविच रेडी करते हैं। तो मैंने एक स्लाइस लिया जी, उसको दरमियान से कट कर दी, और इसमें जो है ना हमने क्या करनी है, आलू की स्टफिंग करनी है, वो जो मैश्ड पोटैटोस है उसकी स्टफिंग करनी हो। तो यही स्लाइस जो है ना, उसके हाफ स्लाइस से इसको कवर किया, और अब जो है ना इसको जो बेसन का मिक्सचर हमने रेडी किया है उसमें अच्छे से डिप कर लें, ताकि चारों साइड से जो है ना ये मिक्सचर इसके साथ चिपक जाए। जब ये चिपक जाए तो आपने क्या करना है, वो जो गर्म ऑयल हमने लिया है ना उसी में इसको फ्राई कर लें। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें फॉर न्यू नोटिफिकेशन। तो सेम मेथड वही अप्लाई करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो रेसिपी आपको अच्छी लगी कि नहीं। तो आप देख सकते हैं सैंडविच बिल्कुल रेडी है, इसका कलर कितना यम्मी और क्रिस्पी है, और आसान सी रेसिपी है, कम इंग्रेडिएंट्स से, सिर्फ आलू से आप इसको बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को भी लंच बॉक्स में दें और ख़ुद भी इसको एंजॉय करें। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको वॉच करें, इसको सब्सक्राइब करें, और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए अल्लाह हाफिज़, और इन्जॉय करें इस आसान सी रेसिपी को। सो आई विल बी हियर विद यू विद अ न्यू रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।